हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी है एक बकरी के खाने के ऊपर बेस्ड। एक बकरी है जिसको खाना खिलाने के लिए एक पति और पत्नी में बहुत तगड़ा झगड़ा हो जाता है। तो चलिए इस छोटी सी कहानी को सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है बकरी को खाना कौन खिलाए। तो दोस्तों, एक गाँव में एक किसान रहता था और वो किसान घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान को बकरी पालने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी पत्नी को बकरी पसंद नहीं थी, क्योंकि जब भी वो उसका दूध निकालने के लिए जाती थी तो वो बकरी इतनी ज़ोर से लात मारती थी कि उसकी पत्नी तो गिर ही जाती थी। बकरी से परेशान होकर पत्नी ने बोला अपने पति को, ये बकरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जब भी इसका दूध निकालने जाती हूँ तो ये मुझे लात मार के गिरा देती है। किसान ने उसे बोला, कोई बात नहीं, बकरी दूध तो देती है, उसी दूध से तुम चाय बनाती हो, उसी दूध को तुम पीती हो, फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो? और अभी हम बहुत गरीब हैं तो हम गाय या भैंस तो रख नहीं सकते। जब हम अमीर हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक गाय लेके आऊँगा, तब तक के लिए तुम प्लीज़ इस बकरी को ही पालो। पत्नी पति की ये बातें सुनकर बड़ी उदास हो जाती है। वो तो उस बकरी के पास भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उस बकरी का काम उसे करना ही पड़ता है। एक दिन बकरी को खाना खिलाते टाइम बकरी ने उसे ज़ोर से सिर हिला के सींग मार दिए। पत्नी बहुत रोई और रोते रोते घर में आके सो गई। शाम को जब पति घर पे आया तो पत्नी ने उसे सारी बात बताई। तो पति ने पत्नी को बोला कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा ध्यान रखते हुए उसे खाना खिला दो। अब इसके ऊपर पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया। पत्नी ने पति को बोला कि आज के बाद मैं उसे खाना नहीं खिलाऊंगी। दूसरे दिन किसान फिर खेत पे निकल जाता है। जब वो शाम को खेत से थका हारा वापस घर आता है तो अपनी पत्नी को बोलता है कि ये बकरी इतना शोर क्यों मचा रही है। पत्नी उसे बोलती है कि भूखी है तो शोर नहीं मचाएगी क्या। पति पूछता है कि तुमने बकरी को खाना नहीं दिया। पत्नी कहती है कि मैं नहीं दूंगी, वो मुझे बहुत मारती है। पति कहता है कि खाना तो तुमको ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो घर पर होता नहीं हूँ। तो पत्नी ने पति को सीधी सीधी बात बोल दी कि तुम्हारी बकरी है और तुम ही उसको खाना खिलाओगे, मैं आज के बाद उसे कभी खाना नहीं खिलाऊंगी। अब पति सोचता है कि अगर बकरी को मैं खाना खिलाऊंगा तो खेत पे काम करने कौन जाएगा। तो पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता है। पति बोलता है कि अब तो जो भी पहले बोलेगा वो ही बकरी को खाना खिलाएगा। पत्नी भी ये शर्त मान लेती है और दोनों के दोनों अपने घर में चुपचाप बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद में घर में एक बिल्ली घुसती है, जो गैस के पास रखे हुए दूध को देखकर उसको पीने का सोचती है। उधर घर के एक दूसरे कोने में पति और पत्नी अपना चुपचाप बैठे थे। बिल्ली चुपचाप अंदर घुसी। पति ने सोचा कि अब पत्नी बोलेगी इसे भगाने के लिए, लेकिन पत्नी ने तो कुछ कहा ही नहीं। पत्नी ने सोचा कि पति को दूध चाहिए होगा तो खुद ही भगा देगा बिल्ली, लेकिन पति ने भी कुछ नहीं बोला और वो बिल्ली अंदर आकर दूध का पूरा पतीला साफ कर गई। दूध पी के बिल्ली बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद में एक पड़ोसी का बच्चा घर के अंदर आया। उस बच्चे का नाम था गोलू। तो गोलू ने जाके किसान की पत्नी से कहा, चाची माँ ने सब्जी भेजी है तुम्हारे लिए, आज माँ ने बहुत अच्छी आलू की तरकारी बनाई है, माँ ने कहा कि चाची को भी दे आओ ताकि शाम को चाची सब्जी नहीं बनाए। अब पत्नी ने सोचा कि ठीक है, सब्जी ले आया है बच्चा तो ले लेते हैं। तो पत्नी ने उसको इशारा किया। अब बच्चा तो छोटा था तो गोलू को तो समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रही है। तो गोलू ने बोला कि क्या करूँ, इसको कहाँ रखूँ। पत्नी ने फिर से इशारा किया। अब गोलू फिर भी नहीं समझा तो पत्नी ने अपना सिर पकड़ लिया कि हाय, ये गोलू को समझाना कितना मुश्किल है। गोलू ने जब देखा कि चाची सिर पे हाथ रखे हुए है तो गोलू को लगा कि चाची बोल रही है कि मेरे सिर पे रख दो। गोलू ने वो पतीला चाची के सिर पे रख दिया और जैसे ही सिर पे रखा, पतीला लुढ़क कर पूरा का पूरा चाची के ऊपर गिर गया। अब चाची को गुस्सा आया। चाची चुपचाप उठी
और जाके उन्होंने वो पतीला, अपना सिर, सब कुछ साफ किया और चुपचाप फिर जाके अपनी जगह पे बैठ गई। लेकिन चाची ने बड़ी समझदारी दिखाई, चाची कुछ नहीं बोली। इसके बाद में गोलू घर से चला गया। पति ने सोचा, ये तो बड़ा एकदम हिम्मत से एकदम पक्की होके बैठी है कि कुछ नहीं बोलेगी। फिर पति ने सोचा कि चलो कुछ देर और वेट करते हैं, शायद कुछ बोल पड़े। ऐसे वेट करते करते रात हो जाती है और रात होने तक ना पति कुछ बोलता है ना पत्नी। इसके बाद में घर में चोर घुस जाते हैं। अब दोनों चुपचाप बैठे बैठे उन चोरों को देखते रहते हैं। वो चोर उन दोनों को देख के थोड़ी देर तो सोचते हैं कि ये दोनों ऐसे बैठे क्यों हैं। फिर वो चोर सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं हिल रहे तो हम घर में से सामान उठा लेते हैं, अगर ये हमें मारने के लिए उठेंगे तो हम भाग जाएंगे। लेकिन जब चोर चोरी कर रहे थे तो भी दोनों में से कोई नहीं हिला, ना किसी ने कुछ बोला, ना कोई शोर मचाया। चोरों ने सारा सामान समेटा और वो एक एक करके उनका पूरा घर खाली करके चले गए। लेकिन चोरों के जाने के बाद तक भी उन दोनों में से कोई कुछ बोला ही नहीं। अब कुछ देर के बाद में उनके घर में एक सांप आ गया और सांप को देख के किसान तो अपना चुपचाप बैठा रहा, लेकिन सांप धीरे धीरे चाची की तरफ बढ़ने लगा और चाची को सांप से लगता था बड़ा डर। तो चाची ने सांप को देखा और अपनी तरफ आते हुए देखा तो चाची जोर से चिल्लाई। चाची के चिल्लाते ही किसान चिल्लाया, ये अब चारा बकरी को तुम ही डालोगी। और इस तरीके से चाची परेशान होकर रोते रोते उस बकरी को चारा डालने के लिए चली गई। तो देखा आपने, दोनों ने एक ऐसी शर्त लगाई जिसकी जरूरत ही नहीं थी। दोनों चाहते तो आसानी से काम को बांटकर ध्यानपूर्वक कर सकते थे, लेकिन उसे एक बकरी के चक्कर में उन्होंने अपने घर में चोरी भी करा दी और अपने पूरे घर को लुटवा दिया। तो बच्चों इसीलिए कहते हैं कि घर में जो भी काम हो वो मिल बांट के मैनेज करके करना चाहिए, और अगर आप उस काम को नहीं कर सकते तो आप अपने घर वालों की मदद लीजिए और घर वालों को भी आपकी मदद करनी चाहिए। तो आप लोग अब से अपनी मम्मा की किचन में हेल्प ज़रूर करेंगे ना, उनकी छोटी छोटी हेल्प करोगे तो मम्मा खुश रहेगी। इसीलिए अभी ये कहानी ख़त्म करती हूँ और मैं जा रही हूँ सोने। अब आप सारे के सारे प्यारे से बच्चे निन्नी लेके सो जाओ क्योंकि स्लीप टाइम हो गया है, और कल मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर फिर से आऊँगी। बाय।